जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी साहब, जनरल सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहाद अल सुन्नी व MLA याकूबपुरा, अली जनाब इज़्ज़त-ए-इमाम जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब MLA चार मीनार, जनाब जाफर हुसैन मेहरा साहब MLA नामपल्ली, जनाब मिर्ज़ा अहमद बेग साहब MNC, जनाब सोहेल खादरी, तमाम डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स और तमाम आशोखाने जा के तमाम मुतवलिया जिम्मेदारान, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जैसा कि हम तमाम बखूबी जानते हैं और यहाँ पर जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी साहब ने आप तमाम के सामने तमाम तफसीलात को रखा, मैं भी यही कहता हूँ कि हिंदुस्तान में कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जिसके सदर दफ्तर में मुहर्रम अरेंजमेंट्स के लिए, अय्याम अज़ा के लिए, इंतज़ाम के लिए मीटिंग मुनक़िद की जाती है। और ये सिलसिला आज कल का नहीं बल्कि क़दीम सिलसिला है। और यकीनन मैं अल्लाह सुबहाना तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह सुबहाना तआला ने हमको इस ये मौका फराहम फरमाया कि हम तमाम मिलकर अय्याम अज़ा के इंतज़ाम के खिदमत अंजाम देते हैं। यकीनन एक तफसील आप तमाम वाकिफ हो चुके हैं। नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मोहतरम रुकन पार्लियामेंट, वाली जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब फ्लोर लीडर चंद्रायन गुड्डा, MLA चंद्रायन गुड्डा की हिदायतों पर हमने पहले ही तमाम एस्टिमेट्स बनाने के लिए GHMC को नुमाइंदगी की। अल्हम्दुलिल्लाह एस्टिमेट्स भी बन गए, सेशंस भी हुए हैं और उम्मीद है कि एक दो दिन में टेंडर्स का प्रोसेस भी किया जाएगा। और हमारी जानिब से मजलिस इत्तेहाद अल सुन्नी की जानिब से हमने ये कह दिया है कि तमाम MLAs की जानिब से ये बात हो चुकी है कि टेंडर्स शॉर्ट टेंडर्स लगाया जाए ताकि जल्द से जल्द कामों का आगाज़ हो। जहाँ तक साबिका साल के कामों का मौका है, ये भी बात कह दूँ कि साबिका दौर के जितने काम सेंशन हुए अल्हम्दुलिल्लाह वो काम मैं समझता हूँ 95% वो कामों को तकमील किया गया है। और इस बात का तमाम बखूबी वाकिफ है क्योंकि आप तमाम आशोखाने जात के ज़िम्मेदार हैं, सब जानते हैं कि अपने अपने आशोखाने जात में इन कामों को तकमील किया कर चुके हैं। इस साल के भी काम इंशाअल्लाह ताला जो सेंशन होंगे यकीनन आप हम उस पर इम्प्लीमेंट करवाएंगे। जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है, एडिशनल ट्रांसफार्मर्स लगाए जाते हैं, इसको मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफार्मर्स होता है, अलाए बीबी के वहां पर करंट नहीं जाने के लिए पावर सप्लाई के लिए वहां पर जो है ट्रांसफार्मर्स जो नाले के पास एडिशनल ट्रांसफार्मर्स और ऑफ इन पैलेस के पास लगाए जाते थे इस बार भी वो लगाए जाएंगे। और मैं ऑफिसर से यही कहूँगा कि ये काम में जल्द से जल्द आगाज़ किया जाए इन कामों का। पॉट होल्स है, न्यू रोड्स लेन है, इन तमाम कामों को जल्द से जल्द इस कामों का आगाज़ करेंगे और ये काम कंटिन्यू हो भी रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले कुछ आशोखाने जात के पास जो काम होने थे वो अभी तकमील करवाए हैं, तो ये काम हो रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी होंगे। और इस साल बारिश की वजह से लास्ट ईयर जो है बारिश को देखते हुए क्योंकि अय्याम-ए-अज़ा बारिश में आया, अलाए बीवी में एक टेम्प्रोरी शेड्स लगवाया गया था। सदर मुतवलिया जनाब अब्बास मसूदी साहब ने भी अभी बताया कि वो रूल्स चाहते हैं कि बादशाह आशोखाने में भी इस चीज़ की ज़रूरत है। अलावा सत्रों के मुबारक में इंशाल्लाह ताला अभी मैं हमारे MLA हज़रात से इंशाल्लाह लेटेस्ट भी ले लूँगा, इसके लिए भी हम जो है यहाँ से इंशाल्लाह इसका भी आगाज़ करेंगे। और जो भी आप लोग के माँ बाप के काम है वो आप तहरीरी तौर पर यहाँ पर जमा करा दीजिए और कुछ है तो फिर इंशाल्लाह ताला स्वागत। शुक्रिया आपका।